तुम क्यों इतनी इतनी बुद्धू? नहीं बुद्धू नहीं, एक्सीडेंट प्रोन हो तुम। क्यों हर बार किसी मुसीबत में फंस जाती हो तुम? जब भी मुझे मिली किसी मुश्किल में मिली। क्यों जब भी मैं तुम्हें मिली मुझे मुश्किल मिली, ऐसा भी तुम्हें बोल सकती हूँ ना? अच्छा तो उस दिन वो रावण दहन के दिन जब उस जसबीर ने रावण के पुतले के साथ छेड़खानी की थी और वो पुतला गिर गया था जिसकी वजह से पूरे पंडाल में आग लग गई, वो उसने क्यों किया था? तुम्हारी वजह से ना, क्योंकि तुमने इवेंट का इनॉग्रेशन किया। हर बार वो रिबन कट करता है लेकिन इस बार तुमने कर दी, इसलिए शायद उसे बुरा लगा होगा। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें उससे बचाया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया था तो उसको गुस्सा आ गया होगा। ओके एनीवेज, हाँ लेकिन जब वो तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा था तो मैंने आके तुम्हें बचाया था ना? लेकिन तुम तो उसे अरेस्ट करवाने के लिए आए थे ना, क्योंकि उसने पंडाल में आग लगवा के तुम्हारा नाम बदनाम करवा दिया था। अब गलत बातों से फेमस होना तो अच्छी बात नहीं है ना, बदनामी हो जाती कि आरवी इंडस्ट्रीज के पंडाल में आग लग गई है। किसने कहा तुम बुद्धू? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। नहीं मैं सच बोलती हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारी फेवरेट चीज है मुझे मुसीबत में फंसाना। क्यों? और नहीं तो क्या, तभी तो हर बार मैं तुम्हें बचाने आ जाता हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, क्यों फंसती हो मुसीबत में? और देखो अभी भी कई बार ये बहुत महंगा पड़ जाता है, जैसे ये अब ये जसबीर, ये तो गले ही पड़ गए। तुम अच्छे इंसान हो, मतलब तुमने बिना मतलब मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी। आई मीन कोई और लड़की होती तब भी तुम इतनी हेल्प कर देते है ना? नहीं मतलब तुमने स्पेशली मेरी हेल्प की। तुमने नोटिस किया बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही? शायद वो लोग चले गए होंगे, एक बार चेक करूं? नहीं तुम रुको, मैं चेक करती हूँ। पीछे पीछे बी केयरफुल। सुनो तुम आ जाओ, मैं भी जल्दी से चेंज करके आती हूँ। पहले आरवी गायब और पीछे गायब, ये दोनों भी ना सच। लो आरवी तो दिख गया, पीछे को भी कॉल कर लेती। क्या वो दिखे, मिले क्या? बीजी कहाँ हो आप? मैं तो चेंजिंग रूम के पास हूँ, आप कहाँ? हेलो बीजी, बीजी हेलो, नेटवर्क गायब, कहाँ ढूंढूं मैं इनको? मेरी माँ। माँ? हाँ, मेरी माँ है बाहर और उन्होंने मुझे देख लिया है। और आशुतोष को भी पता है कि तुम यहाँ हो अंदर। अरे अच्छा अच्छा आशुतोष जल्दी, अरे अब तक पूर्वी बाहर नहीं आए। अरे पूर्वी, पूर्वी बेटा कितनी देर, पूरा दिन लगाओगी क्या? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आ जाओ यार प्लीज। सॉरी शायद आप गलत डोर पे नॉक करें, अंदर मेरा बेटा है, मैंने उसे जाते हुए देखा है। नहीं नहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, अंदर ना मेरी होने वाली पत्नी है। हाँ और मेरी होने वाली बहू। पूर्वी 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 डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।